गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट। स्टूडेंट्स, आज अपन जो हजारियस वेस्ट है उसके मैनेजमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अपना जो हजारियस वेस्ट है वो कैसे कहां से अपन को मिलता है और वो कैसे अपन को नुकसान पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं कि हजारियस वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट मैनी केमिकल्स आर बायो एक्यूमुलेटिव स्टडीज ऑन एक्वेटिक लाइफ इन कंटामिनेटेड वाटर हैव रिवील्ड फॉग बायो एक्यूमुलेशन। स्टूडेंट्स, मेनी केमिकल्स क्या करते हैं, आयो बाक्यूमुलेटिव स्टडीज ऑन एक्विटिक लाइफ इन कंटामिनेशन कंटामिनेटेड वाटर हैव रिवील्ड फॉग बायो एक्यूमुलेशंस। कुछ एक स्टूडेंट्स जो अपने केमिकल्स हैं वो पानी को जलीय जीवों क्या करते हैं, दूषित करते हैं और जैव संचयी अध्ययनों से और विशाल जैव संचय का पता चलता है। मैग्नीफाइंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स राइजिंग थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ द फूड चेन फॉर इंस्टेंस वाटर कंटेनिंग 0.02 पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ DDD डाइक्लोरो डिफाइन डाइक्लोरोएथेन विल ग्रो प्लांट कंटेनिंग 5.3 ppm ऑफ ट्वेल्व। स्टूडेंट्स, इस यह जो अपनी फूड चेन है उसके अंदर जो विभिन्न स्तरों के माध्यम से बढ़ रहे अपने केमिकल से उनकी मूल सांद्रता को सैकड़ों गुना बढ़ाना, जैसे अपन स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्या करता है, जो अपना पीपी
एम होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, वो 0.02 होता है, वह बढ़ करके 5.3 ppm तक इसके अंदर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, अपनी जो फूड चेन है उसके अंदर वेरियस केमिकल्स होने के कारण इसको ppm को बढ़ा देते हैं। हजारस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल स्ट्रेटजीज आर यूजुअली इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड आर बेस्ट इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिक ऑफ एन environmental audit of each industrial unit। स्टूडेंट्स जो अपने हजारियस वेस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज के स्ट्रेटेजिक्स एंड यूजुअली इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड आर बेस्ट इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिक ऑफ एन एनवायरमेंटल ऑडिट ऑफ ईच इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और स्टूडेंट्स ये अपने एनवायरमेंट को बचाते हुए इनकी जो ट्रीटमेंट है हजारियस वेस्ट की एंड इनका डिस्पोजल है उसके लिए स्ट्रेटेजिक्स बनाई गई है, रणनीतियां बनाई जाती हैं, वो अपन एनवायरमेंट को बेस मानते हुए उनको डिस्पोज करते हैं। एन एनवायरमेंटल ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक documented periodic and objective review of operations and practices in the industrial unit। स्टूडेंट्स अपने जो एनवायरमेंट है उसके ऑडिट के लिए एक सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट्स पीरियोडिक और ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ वन रेशंस एंड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स और अपने जो प्रैक्टिस हैं वो इम्पोर्टेंट्स होती हैं, वो प्रत्येक इंडस्ट्री को इसके अंदर करनी चाहिए।
It ensures compliance with rules and regulations it can also detect any risk of breakdown leading to environmental problems. Further, the auditor can also examine the possibility of minimization of waste streams. Streams अपन को इंश्योर कर लेना चाहिए कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में. इट कैन आल्सो डिटेक्ट एंड रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन लीडिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की अपन को इन समस्याओं के टूटने से कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए. Further, the audit can also examine the possibility of minimization of waste streams. और स्ट्रेंड्स इसके अलावा यह ऑडिट करता है कि जो अपने वेस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, अपन को कम करने की संभावना करनी चाहिए या उन्हें मिनिमाइजेशन करना चाहिए. जो अपने वेस्ट होते हैं, हजार्डियस वेस्ट होते हैं, इन्हें कम से कम करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है कि अपन को जो भी अपनी कंप्लेंट्स है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में कंप्लीट करनी चाहिए. एंड इसके अंदर कोई भी डिटेक्ट एंड रिस्क का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को देखते हुए. फर्दर द ऑडिट कैन आल्सो एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट स्ट्रीम्स. और अपन को वेस्ट स्ट्रीम को कम करने की यानी मिनिमाइजेशन करने की पॉसिबिलिटी खोजनी चाहिए या उसे कम करना चाहिए. Apart from audits, other management statistics for hazardous वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड लाइफ साइकल्स एनालिसिस वॉल्यूम रिडक्शन टॉक्सिसिटी रिडक्शन रिसाइकलिंग एंड रीयूज
अवॉइडिंग वेस्ट मिक्सिंग एंड गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। और स्टूडेंट्स अपन को इसको कम करने के लिए बहुत से उपाय सोचने चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑडिट्स अदर मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर हजारडियस वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स लाइफ साइकिल्स एनालिसिस। अपन को स्टूडेंट्स जो लाइफ साइकिल है उसको क्या करना चाहिए एनालिसिस करना चाहिए। वॉल्यूम रिडक्शन जो अपना वॉल्यूम है उसको रिडक्शन करना चाहिए कम करना चाहिए। टॉक्सिसिटी रिडक्शन टॉक्सिसिटी का भी रिडक्शन करना चाहिए। रिसाइकिलिंग जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स अपन को जो वेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए रिसाइकिल करना चाहिए। एंड रीयूज जो अपना वेस्ट होगा उसको क्या करना चाहिए रीयूज करना चाहिए। अवॉइडिंग वेस्ट मिक्सिंग जो अपना वेस्ट मिक्सिंग है उसको क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। एंड गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस और अपन को एक गुड हाउस कीपिंग की क्या करनी चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन को क्या करना चाहिए ऑडिट अदर मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर हजारडियस वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स लाइफ साइकिल एनालिसिस वॉल्यूम रिडक्शंस टॉक्सिसिटी रिडक्शन रिसाइकलिंग एंड रीयूज अवॉइडिंग वेस्ट मिक्सिंग एंड गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। ये स्टूडेंट्स अपन को इसके अंदर करनी चाहिए जिससे अपना वेस्ट होगा वो क्या होगा बहुत ही कम होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन हैंडलिंग डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। इसमें आ जाए स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और कंसिडरेशंस। एयर क्वालिटी एग्जिस्टिंग एयर क्वालिटी वेरियस सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड देयर क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। सेकेंड बात करते हैं सरफेस वाटर क्वालिटी की। सरफेस वाटर क्वालिटी
हाइड्रोजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग टोपोग्राफी। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं टोपोग्राफी में। डिटेल्स ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज इन द रीजन। और स्टूडेंट्स जो सरफेस है उसकी वाटर बॉडीज है उसका रीजन से जानते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ये टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।